सो हे गाइस, इस वीडियो को देखने वाला आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि बिड आपको कितना लगाना है और किस तरीके से लगाना है, किस चीज को देख के लगाना है। अगर आप भी कॉल ब्रेक में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर आपको बिड लगाने की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पत्ते आ चुके हैं और यहाँ पे हमको फटाफट से एनालाइज करके बिड लगानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग से देखना चालू करना, क्योंकि यार टाइम हमारे पास बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ पे देखो आप, इक्का से एक बनेगा, क्वीन से एक बनेगा, जे से एक बनेगा और टेन से एक बनेगा। चार बिड यहाँ पे हमें हुकुम से मिल रहे हैं और यहाँ पे दिल वाला इक्का और किंग भी यहाँ पे हमारे पास ही, तो यहाँ से भी हमें दो बिड मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे जो है डायमंड का भी इक्का से हमें एक बिड मिल जाएगी, मतलब कि टोटल बिड हमारी हो गई सात, सात बिड हमारी हो गई। तो यहाँ पे हम पांच या छह लगा देंगे, क्योंकि यार ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरे लोग है वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बिड नहीं लगाने वाले। तो हम फटाफट अपने बिड को ले लेते हैं। यहाँ पे हमने सिक्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब देखो यहाँ पे हमें दिमाग लगा के पारी को जीतनी कैसी, तो यहाँ पे आप देखो इसने एक वहाँ पे इक्का चला चिड़िया का, जो भी चौ चौगी चला उसने, हमने यहाँ पे चार चल जाए क्योंकि हमारे पास चिड़िया नहीं है। तो ये हमारे पास बिड आ चुका है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ पांच बिड बनाना है। तो हम यहाँ पे इक्का निकाल देते डायमंड का और यहाँ पे ये जो है 100% ये हमारा होने वाला है। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे इक्का निकाल देंगे दिल का, जितने भी इक्के हैं आपको सबसे पहले वो निकालना है, हुकुम के इक्के को छोड़ के बाकी अदर कलर्स के जितने हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये इक्का भी हमारा हो गया। अब हम किंग निकाल देंगे, किंग से भी हमें एक बिट तो जरूर ही मिल ही जाएगी। और एक बात हमेशा रिपीट करता हूँ कि पेशेंस हमेशा बना के रखना। यहाँ पे देखो इसने तिग्गी चल दिया, होगा तो ये उसका चला गया, मतलब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि इस हिसाब से आपको बिट सेट करना है कि आपको 100% मिले। यहाँ पे देखो नौ से भी हमारा आ गया, मतलब चार बिट तो हमारी ऐसे ही कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा इक्का और क्वीन तो बचा ही हुआ है और हमें छह बिट बनानी थी, चार बिट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पे हम सेफ हो चुके हैं क्योंकि हमें दो और बनाना है, दो तो हम इक्का और क्वीन से बना ही लेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि अदर जो वेस्ट कार्ड है अदर्स कलर के हुकुम को छोड़ के उसको सबसे पहले निकाल के बाहर फेंकना है, क्योंकि उसका कोई भी यूज नहीं है। तो यहाँ पे देखो कि हमने दहला से भी एक और बिड यहाँ पे जीत लिया, हमें वापस वही काम करी, प्रायोरिटी इस बात को देनी कि जो वेस्ट कार्ड है उसको सबसे पहले निकाल के बाहर फेंकना है। यहाँ पे देखो कि मैंने वापस से डायमंड का आठ चल दिया था तो यहाँ से हमारा निकल गया। और एक चीज की बात का ध्यान हमेशा रखना आप, कि आप जब भी खेल रहे हो तो हमेशा आप जीतने पर ही मत रहो, सामने वाले के माइनस भी कराने पर रहो, क्योंकि आपके सामने वाला अगर माइनस में जाएगा तो आपके जीतने की चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखो सारा कार्ड मैंने जो है वो निकाल फेंका था, अब ये इनके पास सिर्फ ऐसे किसी के पास किंग बचा हुआ है, जो कि दोस्तों हमारा ये हुकुम का किंग है, उसके वजह से ही हमारा कार्ड यहाँ पे जाने का संभावना था, लेकिन अब वो भी नहीं जाएगा। ये अब मैं क्वीन या तो फिर इक्का चल देता हूँ, एक काम करता हूँ इक्का चल देता हूँ। यहाँ पे आप देख लो कि गाइस यहाँ पे किंग निकलता है, अच्छा नहीं निकला, मतलब किसके पास किंग हुआ, आई थिंक ये अमित के पास होगा। तो गाइस यहाँ पे देखो अमित के पास ही किंग था। तो इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे राउंड जीत सके, हमने छह पॉइंट बना लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अदर्स ने दो दो पॉइंट बनाए और एक तो माइनस में ही चल रहा है। अब गाइस यहाँ पे आपको किस तरीके से वापस से बिट सेकंड राउंड में सिलेक्ट करना आप देख सकते हो, क्योंकि हमने पहले वाले राउंड को छह पॉइंट से जीता है और दोस्तों दो हमारे जो साथ में खेल रहे थे उनका दो दो पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, हमें एकदम पेशेंस बना के रखना है, हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बिट नहीं लगानी है, क्योंकि यार माइनस भी वो सारे हो सकते हैं। यहाँ पे हमें हुकुम के किंग और क्वीन से दो मिल जाएगा, यहाँ पे दिल का इक्का से एक मिल जाएगा, मतलब टोटल तीन हो गए। और यहाँ पे किंग भी हमारे पास है जो कि फुल का किंग है, और यहाँ पे डायमंड का इक्का और किंग भी है, मतलब यहाँ पे टोटल हम यहाँ पे भी छह से सात आराम से बना सकते हैं। लेकिन गाइस हमें यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, हम यहाँ पे सिर्फ को सिर्फ छह को सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमने पहले भी किया था, क्योंकि हमें यहाँ पे छह इजिली बन जाएगा और उससे ज्यादा ही प्लस में बन जाएगा। तो गाइस आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको क्या चीज को देख के यहाँ पे बिड लगानी है। तो गाइस हमेशा आप ये ध्यान देना कि मेरे पत्ते की तरह आपके पत्ते नहीं आ सकते, कभी कभी मेरे भी पत्ते बहुत ही खराब आते हैं, लेकिन मुझे आता है कि उस चीज से, उस रणनीति से कैसे मुझे बाहर निकलना और किस तरीके से मेरे पत्तों को यूज करके सामने वालों को बीट करना है और अच्छा से अच्छा पॉइंट बनाना है। आपको एक टिप्स देना चाहूंगा, जब आपके पत्ते अच्छे ना आए तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप अपने जो सामने वाले ओपोनेंट है ना उसको माइनस में गिराओ, मतलब किसी एक को पकड़ो, उसको जिताने में पूरा फोकस करो। आप ऐसे करके दोस्तों अच्छा खासा जो यहां से जनरेट कर सकते हो पैसे को। और दोस्तों बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं किस ऐप में गेम खेलता हूं, तो मैं विंजो में खेलता हूं और रस में खेलता हूं। मैं दोस्तों कमेंट में पिन लिंक को कर दूंगा, वहां से अगर आपको डाउनलोड करते हो तो ₹50 आपको बोनस में मिलेगा। और रनिंग के और भी चीजों को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।